Hi, I'm Durba Sahay. Hi, this is Kuldeep Kunal. You are watching Making of the Whip. Ye kahani, this play was written 100 years back by O'Neill. Par mujhe is story में इसका स्ट्रक्चर और जो कैरेक्टर्स हैं उनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत अच्छे लगे, इसीलिए मैंने इस प्ले को फिल्म में बदलने की कोशिश की और मैंने एक फिल्म बनाई इसके ऊपर। में जहाँ तक स्क्रिप्ट का सवाल है, हम जब स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो किस तरह से वो वीव किया जाए, सबसे बड़ा चैलेंज था कि उसकी अडेप्टेबिलिटी, खासतौर पर इंडियन रेफरेंस में उसे इंडियनाइज करना, तो वो एक चैलेंज था जो दुर्बा मैम ने लिया था और उन्होंने बखूबी उसे निभाया। मैंने उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया ज़्यादा से ज़्यादा जितना मैं कर सकता था और हमने मिल के एक अच्छा स्क्रीन प्ले इवॉल्व किया, कोशिश रोलिंग एक्शन। ओके दिस स्टोरी वाज रिटन इन 1913 एंड इन अ कंप्लीटली डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। इट वाज रिटन बाय ओनील एंड दिस इज द बिगेस्ट चार्म टू डू दिस प्रोजेक्ट बिकॉज इट वाज सो विजनरी that in 1913 it was written and after 100 years it is yet relevant, so that inspired me a lot. Mes svetim i tarp svetimų salų savi tik tarp sienų keturių mes susieti tik avo प्ले को फिल्म में बदलना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, उसको ओवरकम किया। सबसे पहले तो लिखना शुरू किया हमने, लिखते लिखते कुणाल ने भी बहुत सपोर्ट किया, हम दोनों ने मिलकर स्क्रीन प्ले इसका लिख दिया। उसके बाद सोचा कि चलो इस पर फिल्म बन जाए, तो चीज़ें वही है और उन्होंने 100 साल पहले जो फिल्म लिखी ओनील ने उस समय से लेके आज तक बहुत ज़्यादा औरतों में परिवर्तन नहीं आया है, उनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आया है। इसके जो तीनों कैरेक्टर्स हैं इस नाटक के या इस फिल्म के, अब हम कहेंगे तीनों जो कैरेक्टर्स हैं वो अपनी अपनी तरह के लिमिटेशंस के साथ हैं, अपनी अपनी तरह की बीमारियों के साथ हैं, अपनी अपनी तरह की संभावनाओं के साथ हैं, और वो सारी संभावनाएँ और सारी बीमारियाँ सारी लिमिटेशंस जब एक जगह पे इकट्ठी होती हैं तो इंसानी फितरत कैसे रंग बदलती है, ये ही इस फिल्म में हमने अडेप्ट करने की कोशिश की। देखो तुम एक अच्छी लड़की हो और चाहे तो मेरी मदद भी कर सकती हो, करोगी? The central character who is the baby, her mother, his mother is suffering from a very serious disease and she does not have money and she is dependent on completely on a character called Bob and he has money, he can arrange money, but he is not giving her money for the treatment. So it's happening in society and this film even after 100 years it is reflecting the current mentality of the society. ये जो तुमको और तुम्हारे इस दोगले बच्चे को रहने के लिए छत दे दी है ना, तो मेरे सर पे मत चढ़ जाओ। और अगर पैसे चाहिए तो धंधा करो और कमाओ जैसे पहले कमाती थी। एक औरत जो है वो
उसके अंदर एक फायर होता है एंड शी नोज द फायर एंड शी इज़ रेडी टू फाइट दैट फायर वॉट एवर कम्स फ्रॉम द हस्बैंड साइड और पूरे सोसाइटी के साइड से जो स्ट्रगल चल रहा है उसको वो फाइट करती है पर अंततः वो अपने आप को एक मैन के आगे सरेंडर करती है प्रोटेक्शन के लिए। फिरोज तुम भी तो मुझे धोखा नहीं दोगे ना? गुलाब अगर मैं तुम्हें धोखा दूं ना तो तुम सच में मुझे गोली मार दो। कॉन्फ्लिक्ट है वो अपना कॉन्फ्लिक्ट भी बन जाता है। दुर्बा मैम ने जो चैलेंज दिए, गगनदीप ने जो चैलेंज दिए, एक फीमेल एक मेल दोनों मिलके इस प्रोडक्शन में थे और लगभग इक्विवेलेंट थे, इतने ही लोग कास्ट को मिला के इतने फीमेल्स थे और इतने मेल्स थे जो हम बेसिकली इसको प्रोडक्शन को डिज़ाइन करने में लगे हुए थे। तो हमारे खुद के कॉन्फ्लिक्ट्स भी और हमारी खुद की लिमिटेशंस भी इसमें आ रही थी सामने कि बीइंग अ मेल मैं इसको कैसे देखता हूँ और बीइंग ए फीमेल वो कैसे देखती हैं। और फिर किसी एक निष्कर्ष पे पहुँचते थे कि एक इंसान की जगह इस फ्रेम में, इस फिल्म में हम कैसे बना पाए। एक्शन। जो मुझे ज्यादा अच्छा लगा एंडिंग, अमेजिंग एंडिंग, बहुत अच्छे ढंग से किया गया कि यार कैसे स्टोरी बदल जाती है, एक सीन से स्टोरी बदल जाती है। हर फिल्म में, हर नई चीज़ में आप एक नई चीज़ सीखते हैं, तो उसी तरह से हमने इस फिल्म में भी बहुत कुछ सीखा। और एक डेढ़ साल की बच्ची भी थी जो एक्ट कर रही थी, तो उस बच्चे से मैंने दोस्ती की। चार दिन तक उसकी मेरी दोस्ती चली, उसको चॉकलेट खिलाया, बहुत कुछ किया, उसके सामने मछली जल की रानी भी गाना पड़ा। थोड़ा जोखिम उठाती हुई फिल्म में, जोखिम लेके इसे बनाया गया है, इसके प्लॉट के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया है। यूजिन ऑनिल का जो 100 ईयर्स बैक जो नाटक है, प्ले है, उसका जो आर्ट, पीस ऑफ आर्ट है, उसको नए रेफरेंस में देखने की मेरे ख्याल से किसी को भी इच्छा हो सकती है। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें अपनी तरह से और अपनी वजहों से और तमाम हालात को देखते हुए चेंज की हैं, वो देखने में आपको मज़ा आ सकता है। और ख़ास तौर पे आपको ये देखने में मज़ा आ सकता है कि इटालियन मोरानो का मिरर इंडियन एथनिक बनते हुए कैसा दिखाई देता है और इंडियन संदर्भों में वो कैसे बदल जाता है एक फ्रेम में, आपको ये देखने में मज़ा आ सकता है। आपको ये देखने में मज़ा आ सकता है कि एक लड़की किस तरह से फिर से अपने जीवन को चुनती है। आपको ये देखने में मज़ा आ सकता है कि फिर से वो कैसे प्यार करती है। आपको ये देखने में मज़ा आ सकता है कि कैसे तमाम खतरे उठाते हुए एक इंसान बने रहने की कोशिश करता है। उम्मीद है आपको फिल्म पसंद आएगी, पसंद ही नहीं बहुत पसंद आएगी, मैं ऐसा होप करके चल रही हूँ। बिल्कुल ये बिल्कुल मेरी ये डिफरेंट टाइप की फिल्म। उम्मीद है आपको हमारी फिल्म पसंद आएगी, हमारी कोशिश जो हमने की है आपको पसंद आएगी। शुक्रिया।